हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लीप्स को ट्रेड करने से आपको किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, क्यों आपको लीप्स को ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि लीप्स को हमें क्यों ट्रेड करना चाहिए, यहाँ पे हमें किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो देखिए, लीप्स में हमें किस तरह के बेनिफिट मिलते हैं वो समझने से पहले मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि लीप्स होते क्या हैं। वैसे तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि लीप्स क्या होते हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि लीप्स होते क्या हैं। बेसिकली लीप्स बोलते हैं जो लॉन्ग टर्म के ऑप्शंस होते हैं उनको। जैसे अभी जनवरी चल रहा है तो जनवरी में ही मैं 2023 के दिसंबर ऑप्शंस को ट्रेड कर पाऊँ तो उनको बोलते हैं लीप्स। लेट से मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 18,000 पे और मैं अभी दिसंबर ऑप्शंस में जाऊँ और वहाँ पे 19,000 का एक कॉल ऑप्शन बाय या सेल करूँ तो इसको बोलेंगे कि मैं लीप्स को ट्रेड कर रहा हूं। तो बेसिकली लीप्स का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म ऑप्शंस को ट्रेड करना। जिन ऑप्शंस के एक्सपायरी में अभी एक दो साल का टाइम बाकी है उनको अगर हम ट्रेड करते हैं तो उसको लीप्स बोलते हैं। अब हमारे मार्केट में लीप्स है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है और उसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन जो मैच्योर मार्केट है वहां पे लीप्स काफी ट्रेड होते हैं। लॉन्ग टर्म के ऑप्शंस को वहां पे काफी ट्रेड किया जाता है। तो ये होता है लीप्स। बेसिकली यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं। तो अब समझते हैं कि लीप्स को ट्रेड करने से हमें किस तरह के बेनिफिट मिलते हैं, क्यों हमें लीप्स को ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए, लीप्स को हमें क्यों ट्रेड करना चाहिए उसके पीछे जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जो लीप्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो लॉन्ग टर्म ऑप्शन होते हैं, तो आप लीप्स को एज ए हेजिंग टूल यूज कर सकते हो जो आपके मंथली ट्रेड्स हैं उनके लिए। लेट्स से आप मंथली ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, वहां पे आपने कोई ऑप्शन को सेल किया है तो उसकी हेजिंग के लिए आप लीप्स को यूज कर सकते हो। लीप्स को यूज करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लीप्स लॉन्ग टर्म के ऑप्शन है तो वहां पे थीटा डिके है वो ना के बराबर होगा, तो आप उसको एज ए हेजिंग टूल यूज कर सकते हो कि आपने अभी जो ऑप्शन सेल कर रखा है जहां पे आपका थीटा डिके काफी फास्ट होगा क्योंकि आपने मंथली ऑप्शन को सेल किया है, तो इसकी हेजिंग के लिए आप लीप्स में जाओगे और वहां के ऑप्शन को बाय कर लोगे। अब वहां पे थीटा डिके है वो काफी स्लो होगा और एनीवे आप इस मंथ तो उसमें से एग्जिट हो ही जाओगे, तो आपने हेजिंग के लिए लीप्स को खरीद लिया है। तो सबसे पहला बेनिफिट लीप्स का ये है कि आप इसको एज ए हेजिंग टूल यूज कर सकते हो और यहाँ पे आपका थीटा डिके है वो काफी स्लो, काफी बेयर मिनिमम होगा। तो एज ए हेजिंग टूल आप लीप्स को यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे थीटा डिके है वो काफी स्लो होता है। तो ये हो गया लीप्स को ट्रेड करने का सबसे पहला बेनिफिट। अब बात करते हैं दूसरे बेनिफिट की। दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप लीप्स को ट्रेड करते हो तो आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो काफी वाइड मिलती है, क्योंकि आप लीप्स को ट्रेड करते हो, आप लॉन्ग टर्म ऑप्शंस को ट्रेड करते हो तो वहां पे टाइम वैल्यू है वो उस ट्रेड में काफी है क्योंकि उसके एक्सपायरी होने में काफी टाइम बाकी है। इस वजह से वहां पे टाइम वैल्यू काफी है और यही रीजन है कि आपको जो प्रीमियम मिलेगा वो काफी हैवी मिलेगा। तो जब आप लीप्स को ट्रेड करते हो तो आप एक अच्छा खासा प्रीमियम, एक अच्छा खासा क्रेडिट आप रिसीव करते हो और इस वजह से आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो काफी वाइड हो जाती है। मान लीजिए आप एक स्ट्रैडल को ट्रेड करते हो, मार्केट लेट से 18,000 पे ट्रेड कर रहा है और आप 18,000 के कॉल और पुट दोनों को सेल करते हो मंथली में, तो आपको लेट से 200 पॉइंट रुपीज का प्रीमियम मिल रहा है, 200 रुपीज फॉर कॉल एंड 200 रुपीज फॉर पुट, तो आपको इन टोटल 400 रुपीज का क्रेडिट मिला है। अब आपकी प्रॉफिटेबल रेंज कितनी वाइड होगी, 400 पॉइंट ऑन द अपसाइड एंड 400 पॉइंट ऑन द डाउन साइड, तो 800 पॉइंट की आपको रेंज मिलती है। अगर मार्केट उस रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको लॉस होगा। वहीं पे अगर आप लीप्स को ट्रेड करते हो तो वहां पे आपको प्रीमियम है वो काफी ज्यादा मिलेगा। लेट से आपको सेम स्ट्राइक 18,000 के कॉल ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए 1,000 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा है और पुट ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए 1,200 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा है, तो इन टोटल आपको 2,200 रुपीज का क्रेडिट रिसीव हो गया। अब अगर मार्केट 2,200 पॉइंट ऊपर जाता है तो वहां तक आप सेफ हो और 2,200 पॉइंट नीचे जाता है तो वहां तक आप सेफ हो, तो इन टोटल आपकी रेंज कितनी होगी, 4,400 पॉइंट्स की। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, रियल में प्रीमियम्स हैं वो डिफरेंट होंगे, आप चेक कर सकते हो। हालांकि अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी कम चल रही है तो प्रीमियम्स हैं वो काफी कम हो रखे हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम लीप्स को ट्रेड करते हैं तो क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू काफी ज्यादा होती है इस वजह से हमें एक अच्छा क्रेडिट मिलता है, और क्योंकि हम एक अच्छा क्रेडिट रिसीव कर रहे हैं जब ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं, तो इस वजह से जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो काफी वाइड होती है। तो दूसरा बेनिफिट हमें क्या मिलता है लीप्स में, कि यहाँ पे प्रॉफिटेबल रेंज है वो काफी वाइड हमें मिलती है। तो ये हो गया दूसरा बेनिफिट। अब बात करते हैं थर्ड बेनिफिट की, कि लीप्स हमें क्यों ट्रेड करना चाहिए और यहाँ पे हमें क्या एडवांटेज मिलता है। तो देखिए, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके लिए सबसे अच्छा है लीप्स को ट्रेड करना। जी हाँ, लीप्स को अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको रोज अपने ट्रेड को देखना है, अगर आप महीने में एक दो बार भी देखते हो तो दैट इज ओके, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक अच्छा खासा क्रेडिट मिल गया है, तो आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो ऑलरेडी वाइड है, और अगर मार्केट में 300-400 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन भी होता है तो उसको भी आप इजीली अकोमोडेट कर सकते हो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
तो यहाँ पे आपका स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप एक्टिवली मार्केट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दे सकते, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है आप लीप्स में ट्रेड कीजिए, क्योंकि लीप्स को एक्टिवली मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तीन बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि आप लीप्स को एज ए हेजिंग टूल यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पे थीटा डिके है वो बेयर मिनिमम होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे आपको एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज मिलती है। और तीसरा बेनिफिट क्या है, आपको इसको एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप एक अच्छा खासा प्रीमियम रिसीव कर रहे हो, आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो काफी वाइड है, तो आपका स्क्रीन टाइम है वो कम हो जाता है, आपको एक्टिवली उन पोजीशंस को मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये तीन बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं कि क्यों आपको लीप्स को ट्रेड करना चाहिए। बाकी अगर आप अभी मुझसे पूछो कि आपको लीप्स में पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं, तो अभी मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा वेट कीजिए, अभी आप लीप्स में पोजीशन मत बनाइए। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में वोलेटिलिटी कम है, और वोलेटिलिटी है ये लॉन्ग टर्म के ऑप्शंस को ज्यादा इफेक्ट करती है। तो इस वजह से अभी आप लीप्स में ट्रेड मत कीजिए, आपको प्रीमियम है वो कम मिलेंगे। तो जब वोलेटिलिटी ऊपर जाती है उस टाइम पे पोजीशन बनाना ज्यादा बेटर होगा, रेदर देन कि आप अभी पोजीशन बनाओ। तो क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी पोजीशन बना लो, आप वोलेटिलिटी को देखिए, मार्केट में वोलेटिलिटी है वो कम है। तो अभी आपको दिसंबर के ऑप्शंस में पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, बजट के पास में जब मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी ऊपर जाएगी वो सही टाइम होगा लीप्स में ट्रेड करने का। चलिए, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि लीप्स में आपको क्यों ट्रेड करना चाहिए, यहाँ पे आपको किस तरह के बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि लीप्स में आपको क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए, यहाँ पे डिसएडवांटेज किस तरह के हैं। तो देखिए, लीप्स में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो है लिक्विडिटी की, क्योंकि हम दूर के ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे लिक्विडिटी है वो काफी कम होती है। यही रीजन है कि इंडियन मार्केट में लीप्स हैं ये इतने पॉपुलर नहीं है। यहाँ पे लीप्स आप सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर सकते हो, और वो है निफ्टी। आप सिर्फ निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो लीप्स को। अगर आप बैंक निफ्टी या स्टॉक्स की तरफ जाते हो तो वहां पे आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। अगर आप रिलायंस के दिसंबर के ऑप्शंस को ट्रेड करना चाहोगे तो वहां पे आपको किसी तरह की कोई लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। इवन बैंक निफ्टी के भी अगर आप लीप्स को ट्रेड करना चाहते हो तो वहां पे भी आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट रह जाता है इंडियन मार्केट में। अगर आप लीप्स को ट्रेड करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में आप इनको ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी आप निफ्टी के ऑप्शंस में पोजीशन बनाओ तो आंख बंद करके आपको लीप्स में पोजीशन नहीं बनानी है। आपको जो राउंड फिगर स्ट्राइक है वहीं पे लिक्विडिटी मिलेगी। जैसे 17,000 हो गया, 18,000 हो गया, 18,500 हो गया, 19,000 हो गया, इस तरह के जो स्ट्राइक है वहां पे आपको लिक्विडिटी मिलेगी। जो इन बिटवीन स्ट्राइक है वहां पे लिक्विडिटी नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हो कि आप 17,300 या 19,200 इस तरह के स्ट्राइक्स को अगर आप बाय या सेल करना चाहते हो तो आप ध्यान रखिए वहां पे लिक्विडिटी नहीं होगी। तो आपको इन बिटवीन स्ट्राइक्स हैं उनको ट्रेड नहीं करना है। जो राउंड फिगर वाले स्ट्राइक्स हैं जैसे 18,000 19,000 इस तरह के स्ट्राइक्स को आपको ट्रेड करना है, वहीं पे आपको लिक्विडिटी मिलेगी। तो चलिए, आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि लीप्स बेसिकली होते क्या हैं, लीप्स को ट्रेड करने के बेनिफिट्स क्या हैं, साथ ही मैंने आपको डिसएडवांटेज भी बताई, और कौन से इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप इनको ट्रेड कर सकते हो, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, क्यों इंडियन मार्केट में लीप्स इतने पॉपुलर नहीं है। तो मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। अब एक और वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लीप्स में ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी कौन सी है। तो क्योंकि मुझसे इससे रिलेटेड काफी सवाल पूछे जाते हैं, काफी कमेंट्स आते हैं, तो इस वीक में एक और वीडियो लेके आऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि लीप्स में ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी कौन सी है। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।